हेलो फ्रेंड्स, तो एक सैड न्यूज़ बाहर निकल कर आ रही है कि शायद ऐसा हो सकता है, देखो इसको कंफर्म नहीं किया गया अभी तक, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि जो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को मार्वल ने अनाउंस किया था ना, वो कभी आए ही ना। क्योंकि अगर वैरायटी की बात माने तो मार्वल स्टूडियोज के अंदर ऑलरेडी ये बातें चल रही है कि कैंग को डॉक्टर डूम से रिप्लेस कर दिया जाए, और उसका रीजन है जोनाथन मेजर्स के ऊपर चल रहा कोर्ट केस। अब देखो ये बातें तो हमें पता ही है कि जोनाथन मेजर्स के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, और अगर वो ये केस हार जाते हैं तो उन्हें कम से कम 1 साल की सजा जरूर होगी। और अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो उनका कोर्ट ट्रायल अब शुरू होने वाला है, और ज्यादातर चांसेस यही हैं कि उन पर लगे इल्जाम सच साबित हो जाएं। वैसे तो जोनाथन मेजर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन पे फेक चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन भाई ये फैसला करने वाले हम और आप नहीं होते, कोर्ट ही ये डिसाइड करेगा कि वो सही है या फिर गलत। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोगों को टेंशन जरूर हो जाती है, क्योंकि जोनाथन मेजर्स अपनी पर्सनल जिंदगी में चाहे जैसा भी हो बट एक्टर बहुत ही दमदार है, एंड आई डोंट थिंक कि उसके अलावा कोई और कैंग के रोल को जस्टिफाई कर सकता है। और ये बातें कहीं ना कहीं मार्वल भी जानता है कि अगर वो कैंग के रोल के लिए किसी और को कास्ट कर लेगा तो ऑडियंस शायद उसके साथ कनेक्ट ना कर पाए, क्योंकि एंटमैन 3 और लोकी के दोनों सीजन्स को देखने के बाद हम लोगों को कहीं ना कहीं जोनाथन मेजर से मोहब्बत हो गई है, और वो मोहब्बत हम किसी और से नहीं बांट सकते। और इसलिए अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो मार्वल स्टूडियोज के अंदर ऑलरेडी ये प्लानिंग चल रही है कि अगर जोनाथन मेजर्स के ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम सही साबित हो जाते हैं तो वो लोग अपनी कैंग की स्टोरी को यहीं पे खत्म कर देंगे और डॉक्टर डूम की स्टोरी शुरू कर देंगे, और फिर प्रोबेबली आपको सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन डॉक्टर डूम ही देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों देखो, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं कैंग को ही देखना चाहता हूं, एंड आई थिंक कि आप लोग भी कैंग को ही देखना चाहते हो, लेकिन भाई अगर यहां पे डॉक्टर डूम को भी डाला जाए ना तो मार्वल को कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि लोकी सीजन 2 के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये कंक्लूड कर दिया है कि अब लोकी ने कैंग को हरा दिया है, लोकी ने फाइनली उसके लूप को तोड़ दिया है, एक तीसरा रास्ता अपनाकर खुद ही जाकर उस गद्दी पर बैठकर, जिसका मतलब यह है कि अब आखिरी बार जब सिल्वी ने उसे मारा है तो अब वो वापस से जिंदा नहीं हो सकता। तो इसलिए हां, अगर उनको कैंग की स्टोरी खत्म भी करनी हो तो लोकी का सीजन 2 उसको अच्छे से कंक्लूड कर देता है कि कैंग की स्टोरी क्यों खत्म हुई। तो भाई यही एक छोटी सी अपडेट थी जो कि बहुत ही मेजर इंपैक्ट एमसीयू के अंदर डाल सकती है। लेकिन यार ये न्यूज़ सुनकर आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।